गाइस अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे। मैं हूं रानिया, मैं रोहन, और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है असदुद्दीन ओवैसी टोल्ड हु इज डेंजरस फॉर इंडिया, इधर डॉक्टर जाकिर नायक और योगी आदित्यनाथ। तो देखते हैं ये वीडियो कैसे होने वाली है, आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये देखते हैं पहले ओवैसी सर का क्या कहना है, उसके डॉक्टर जाकिर नायक सर का भी रिप्लाई देखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम इसके। मैं जाकिर नायक के साथ हूँ, मैं सबके साथ हूँ। आपकी नजर में देश की धर्म निरपेक्षता के लिए ज्यादा खतरा कौन है, जाकिर नायक जैसे लोग या योगी आदित्यनाथ जैसे भगवाधारी लोग? पंडित नेहरू ने एक बात कही थी कि इस मुल्क को मेजॉरिटेरियन कम्युनिज्म का ख़तरा है। तो मैं पंडित नेहरू की बात पर यकीन करते हुए कहूँगा कि आदित्यनाथ से मुल्क को ख़तरा है। विजय भूत्रा एंड आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट। कल शाम को मैंने आपके पास में कुछ बातें रखी, मैंने उस बातों को लेकर के रात भर काफ़ी मनन किया सर, और काफ़ी मेरे मित्र जो कलकत्ते में पंडित है, विद्वान है, उनसे से बात की। एंड विश्वास कीजिए सर, आई कुड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। आपसे मिलना चाह रहा था सवेरे, बहुत चेष्टा की, बट अनफॉर्चुनेट इतने आपका बेस्ट कार्यक्रम मिल नहीं पाया। बात करने के बाद में मैं अब आज अभी इतना सुकून महसूस कर रहा हूँ आपके सामने अपनी बात रख करके, कि आपने जो जो बातें कही तीन दिनों में वो सब सही, और आपके निर्णय जितने भी थे सब ठीक थे, कहीं आपने गलत नहीं कहा। मैंने जब प्रश्नों पर गौर किया तब मुझको ये समझ में आई कि मेरे को प्रश्न ही नहीं करना चाहिए था। इसके साथ में अब ये तो हुआ मेरे प्रश्न, मैं आपसे कुछ मेरा एक्सपीरियंस विद किशनगंज, मेरे बंधुओं के साथ में जो मैं यहाँ करता हूँ शेयर करना चाहूँगा, और उसके लिए आपसे इजाज़त है सिर्फ दो या चंद मिनटों की। सर, मैं किशनगंज में जब भी रहता हूँ मेरा अधिकतर समय मेरे भाइयों के साथ में बिकता है। मैं मुसलमान शब्द का इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर भाइयों के आगे मुसलमान शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया सर, क्योंकि मैं अपने आप को उन्हीं के बीच कह पाता हूँ। सो मैं ये मुसलमान और हिंदू बोल के डिफरेंस नहीं करना चाहता हूँ। आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ सर, हमारे यहाँ पर सैयद मजरूल हसन जी हैं, उनके रमज़ान के पवित्र महीने में हम यहाँ पर एक आयोजन करते हैं इफ्तार का। विश्वास मानिए सर, उस समय इतना पवित्र वातावरण रहता है यहाँ पर, और इतनी खुशी लगती है, उसका पूरा दायित्व मजहर भाई हम लोगों के ऊपर दे देते हैं, हमारे और भी हिंदू मित्र हैं उनके ऊपर में देते हैं। और जब 5 बजे की नमाज होती है और उसके बाद का जो समा रहता है वो देखने के बाद में जब हम उन्हें इफ्तारी कराते हैं सर, तो विश्वास कीजिए मुझको लगता है कि मैं उनमें से एक ही हूँ, मैं अलग नहीं लगता हूँ। इतना अच्छा पवित्र वातावरण उसमें आज मेरे यहाँ पर बींग एन हिंदू इवन अगर मुझे बोला जाए तो गुफरान भाई, शंभू भाई, मैं किन किन का नाम लूँ सर आपको, पप्पू भाई, हिंद मुस्लिम भाई, इतने भाई हैं मेरे, सब भाई हो जाते हैं। तो मैं इतना वातावरण अपने को पाता हूँ उसके साथ में। अभी छोटी मिसाल देता हूँ सर, आपने जो बीड़ा उठाया है हिंदू अलग दूसरे कास्ट में गलत धारणाओं को दूर करने का, उसके प्रयास में मैंने भी एक काम किया। एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसको कि अभी मेरे लड़के की शादी थी, मेरे समधी नेचुरली हिंदू हैं, उनके मन में काफ़ी गलत धारणाएं बैठी हुई थी। मेरे यहाँ से कुछ मेरे खास मित्र बंधु वहाँ पर गए, एंड लेट मी टेल यू 3 दिन उनके लौटने के बाद में उन्होंने मुझको फ़ोन किया, बोले भूत्रा जी आपके जो मित्र यहाँ पर आए थे उनसे मिल करके केवल उनकी प्रेजेंस से और उनसे थोड़ी बातों से हमारी काफ़ी धारणाएँ दूर हो गई। अब मैं उनके प्रति कभी भी कोई मेरी कोई ऐसी बात नहीं रहती है जिससे, जैसे मसलन मान लीजिए मांसाहारी थोड़ा इस तरह का उनका एटीट्यूड था, लेकिन जब उन्होंने देखा तब उन्होंने मतलब ये कहा, बोले कि इतने बढ़िया व्यवहार और इतनी बड़ी नेकी भाईचारा का व्यवहार, बहुत खुश हुए। तो मेरा कहना ये सर, इस्लाम के प्रति मेरी अच्छी धारणा है कि आज ये भाईचारा और ये फैलाने में बहुत बड़ी सार्थकता होती है इस्लाम में, और मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं सर। एंड मेरे पास में अब कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता सर आपके, सैल्यूट टू यू सर, थैंक यू। माशाल्लाह भूत्रा साहब माशाल्लाह करीब भाइयों में से है, और कल रात को वक्त की तंगी होने की वजह से उनने 3 सवाल किया था और मैं चाहता था जवाब दूँ,
लेकिन जहाँ तक ये लॉ का सवाल है कि 10 बजे खत्म होना चाहिए, इसे खत्म करना पड़ा। तो मैंने उनसे कहा कि पहला मैं आपको मौका दूंगा एक नहीं तीनों सवाल पूछने का, लेकिन भूतरा साहब ने कहा कि पूरी रात नहीं सोई, उनने कोशिश की पंडितों से पूछे और चेक किया जो मैं चाहता हूँ, और उन्हें इत्मीनान हो गया कि जो भी मैंने कहा सच कहा माशाल्लाह। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी ये शहादत मेरे जवाब से और अच्छी है माशाल्लाह, मेरी तकरीर से अच्छी है। और यही मेरा हमेशा फलसफा रहा, मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम में कभी भी भेदभाव हो या कभी भी आपस में नफरत हो। ज़रूरी नहीं कि जो मैं बोलता हूँ हर एक आदमी बात माने, और जो मेरी बात नहीं मानता है उसको मैं पहला मौका देता हूँ ताकि जो हमारे दरमियान जो गलत फहमी है वो दूर हो। इसीलिए मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं आपका जवाब न दे सका कल, बहुत दुख हुआ मुझे। कहूँगा सर। हाँ जी बोलिए। मुझे याद है आपका प्रेस इंटरव्यू, जब आप जिस दिन यहाँ पर किशनगंज में आए थे तो किसी पत्रकार ने आपसे कहा था कि मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं क्या? तब आपने तुरंत उन्हें जवाब दिया रास्ते भी एक हैं। उस दिन से लेकर के कल उस विचार पर भी मैंने सोचा, तो वास्तव में आपका कथन एकदम सही है सर। मैं इसमें थोड़ी तब्दीली करता हूँ अपने मन से कि मंजिल भी एक है सर, रास्ते भी एक है। हम हो सकता है रास्ते में अकेले चलने में थोड़ा घबरा जाते हैं, इसीलिए किसी का सहारा ले लेते हैं, मूर्ति पूजा या किसी का सहारा ले लेते हैं, बट कहीं दूर तक जाने के बाद में अल्टीमेटली आप और मैं और तू एक हो जाते हैं, फिर अकेला रह जाता है हम। भाई साहब भूतरा साहब, आप बोलते कहीं ना कहीं आगे जाके एक होते, मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ से एक हो। अगर यहाँ से एक हो जाए ठीक बात, तो बात ही कुछ और है। थोड़ा डर लगता है सर। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ में ज्यादा वक्त बिताऊं, कहीं आगे जाके एक हो तो बहुत दूर हो जाएंगे, कभी हम रहे ना रहे। मेरी ख्वाहिश है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ से एक हो। सर ऐसा है, हम आपके बनस्पत हो सकता है थोड़े कमजोर दिल के हो सर, रहने कम से कम इंशाल्लाह। इसीलिए हमें किसी सहारे की दरकार पड़ती है। अब बाकी कहीं पर कहीं ना कहीं हम मिलते जरूर हैं सर आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपके पहले जो भाई साहब ने सवाल भी किया था, जो जैन साहब थे, उसको कभी कभी बुरा लगता है। मैंने ये कहा भाई आप भी मेरे कुरान में से कुछ ऐसी चीज बताओ जो आपके भगवत गीता आपके वेद से मिलते, वो मैं 100% मानूंगा। मैं डबल स्टैंडर्ड नहीं हूँ, लोग को लगता है क्योंकि मैं इससे बात करता हूँ, लेकिन जो लोग तहकीक करते वो मेरे करीब आते, जो लोग तहकीक नहीं करते वो हो सकता है मुझसे दूर जाते। लेकिन अक्सर जितने गैर मुसलमान मेरे तकरीर सुनते हैं, अक्सर इतने बोल सकता हूँ कि मोर देन 80% अल्हम्दुलिल्लाह, 80% से ज़्यादा। अभी वो 90 है क्या 85 वो मैं नहीं कह सकता हूँ, या 95 है, लेकिन 80% से ज़्यादा माशाल्लाह जितने गैर मुसलमानों से मिलता हूँ, हो सकता है 90% से ज़्यादा, वो जब जानते हैं कि मैं डोगले पना नहीं करता हूँ, जैसे बाकी जितने धार्मिक के हैं, धार्मिक प्रचार करने वाले, मैं बोलता हूँ आपने ये कि आप मानेंगे नहीं मानते, मैं कहता हूँ कि धार्मिक किताबों पे अमल करो, और जो यक्षा है कम से कम उस पर अमल करो, जो डिफरेंस है वो बाद में। क्योंकि जो आपने कहा मैं भगवद गीता से भी कोट कर सकता था, क्योंकि भगवद गीता है वो निचोड़ है वेद की, और भगवद गीता में भी चैप्टर नंबर 7:20 में लिखा है क्या, ऑल दोज हुज इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमीगॉड्स। मतलब जो लोग की भावना पैसे से खींची जाती है वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। आप आगे पढ़ेंगे भगवद गीता चैप्टर नंबर 7:21-22 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग गलत भगवान की पूजा करते हैं फिर भी जो एक ईश्वर है उनकी चीज को मान लेता है, उनके दुआ को कबूल करता है, लेकिन जो गलत ईश्वर की पूजा करते हैं वो गलत जगह जाएंगे, जो सही एक ईश्वर की पूजा करते हैं वो सही ईश्वर के पास आएंगे। अब इतनी छोटी तकरीर में मैं वेद भगवत गीता सबका तो मैं नहीं दे सकता हूँ। एक मेरी तकरीर है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम एंड हिंदुइज्म में यकसानियत। अगर मैं सिर्फ हवाले दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो 1.5 घंटा लगता है, सिर्फ मैं तौहीद का जिक्र करूंगा एक भगवान का, वेद में भगवत गीता में, भगवत गीता भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन मुमकिन नहीं क्या एक छोटे से सवाल जवाब सेशन में मैं सब कहूँ। तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरा काम आसान किया, आपने खुद तहकीक की, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से भूतरा साहब ने जो तहकीक किए
मैं चाहता हूं कि जितने यहाँ गैर मुसलमान हैं वो भी तहकीक करें अपनी धार्मिक किताब के बारे में। इंशाअल्लाह हम सब इंसान एक हो जाएंगे और एक ईश्वर की इबादत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइस ये था वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। जैसे कि अंकल ने वहां पे जो जवाब दे रहे थे, ठीक है कि हिंदू मुस्लिम सब एक होके रहते हैं, मिलते हैं, इफ्तार कराते हैं जो हिंदू भाई है वहां पर के मुसलमानों को। तो यार ये सब जो चीजें लड़ाई वाली जो बात है, हिंदू मुस्लिम आपस में जो लड़ते हैं, ऐसा कभी पहले ना था, ठीक है, और ना अभी है और ना कभी फ्यूचर में होगा भी। क्योंकि यार देखो क्या होता है ना, जो हर किसी का मैसेज है, हर रिलीजन का मैसेज है, वो सबका सेम है। जैसे कि अंकल बोले, वो हिंदू धर्म के होने के बावजूद वो चीजों को बता रहे हैं, ठीक है, तो वो स्टडी किए होंगे तो ही इतनी परफेक्ट बात बोल रहे हैं। और हर किसी को स्टडी करना चाहिए, जैसे कि हम भी स्टडी करते रहते हैं हर धर्मों के बारे में। ऐसा नहीं है कि हम इस्लाम का ही स्टडी करते हैं या किसी दूसरे धर्म का नहीं करते, हर किसी का स्टडी करते हैं। तो हमें भी चीजें समझ में आती है कि यार जिसका जो मैसेज था, जो अंकल बोल रहे थे कि यार हर कोई एक ही है, ऊपर भी जाओगे तो आपको एक ही मिलेगा जो इस दुनिया को बनाया है, जो क्रिएटर है, ठीक है। तो लेकिन क्या है, कुछ लोग हैं जो ऐसे अपने फायदे के लिए हिंदू मुसलमानों के खिलाफ खास करके पॉलिटिशियन है जो अब भड़काने का काम करते हैं अपने वोट बैंक के लिए, ठीक है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं, और जो हिंदू रिलीजन के लोग हैं उन्हें डराने का काम करते हैं कि वो खतरे में है। और एक चीज ये भी देखनी है ये वीडियो में, ये वीडियो प्रूफ करता है, जैसे कि स्टार्टिंग में जो है वो एक न्यूज एंकर है वो डॉक्टर जाकिर नायक सर पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, डेंजरस हो सकते हैं। तो ये प्रूफ है ये वीडियो कि वो खुद एक नॉन मुस्लिम से बात कर रहे हैं, एक नॉन मुस्लिम आके बता रहे हैं कि उनकी स्पीच से वो मतलब लोगों के साथ अच्छे से रहते हैं। और खुद डॉक्टर जाकिर नायक स्टेज में खड़े होकर ये बता रहे हैं कि हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी धर्म का इंसान हो, उसको एक साथ रहना चाहिए और जो जितने भी धार्मिक किताबें हैं वो पढ़ना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। तो आपको और ज्यादा पता चलेगी कि ये सारी जो लड़ाई झगड़े हैं ये सारे पॉलिटिशियंस का गेम है सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। और ये लोग नहीं चाहते कि ये जो हिंदू मुसलमान है और हमारा देश शांति से रहे, लड़ाई झगड़ा चाहते हैं ये लोग। तो लोगों को चाहिए कि जैसे डॉक्टर जाकिर नायक सर बता रहे थे कि एक साथ मिल के रहें, अपने अपने धर्म को पढ़ें, स्टडी करें, उससे भी बहुत सारी न्यू मतलब नॉलेज गेन होती है कि इंसान को कैसे इंसानियत से रहना चाहिए, जो कि हर धर्म बताता है। सो गाइस ये था वीडियो, आप लोग कैसा लगा कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।